गुड इवनिंग एवरीवन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन शुरू है। आई होप तुमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेसिक पढ़ लिया होगा, बिकॉज मैं बेसिक्स बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं कराऊंगा, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, बट वी विल मूव ऑन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, जेई लेवल के प्रॉब्लम्स। सो हेडिंग दो आज का, परम्यूटेशंस। हेडिंग क्या है? इट्स अ परम्यूटेशंस। वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक्चुअल परम्यूटेशंस नाउ। ओके, सो आज कई कई प्रॉब्लम्स मध्ये मैं तुमको बेसिक मेथड भी बताऊंगा और तुमको परम्यूटेशंस वाली मेथड भी बताऊंगा। सो कीप दैट इन माइंड कि इफ इट इज पॉसिबल टू सॉल्व विद बेसिक्स, गो विद बेसिक्स, बट द टाइम कंज्यूमिंग असल तो गो विद फॉर्मूले, अपने को कोई ये नहीं। तर जो मैं आज हेडिंग देने वाला हूँ चीजों के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल गिव इट यूजिंग डिफरेंट color, the number of permutations of n different things taken are at a time. The number of permutations of n different things taken are at a time. मतलब तुम्हारे पास 10 चीजें हैं और तुम उसमें से साथ ही ले रहे हो permutation करने के लिए। So permutation is nothing but arrangements. Capital में लिख रहा हूँ so that तुमको याद रहेगा। Arrangements. कि जब तुमको कुछ चीज को arrange करना है, you use permutation. जब तुमको कुछ selection करना है, you use combinations. ठीक है, कॉम्बिनेशंस पर यू अपन। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम, दिस इज आवर फर्स्ट थिंग। सो तला अपन ली तो एन पी आर विच इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। ये अपन ने बोर्ड्स में पढ़ा है, राइट? क्या आया एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल का मीनिंग पता है तुमको? इफ आई से 5 फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल 5 * 4 * 3 * 2 * 1 एक-एक-एक कमेंट करत जैसा। 10 फैक्टोरियल बोला तो वी गेट 10 * 9 * 8 * करत 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 अपन कुठ पर्यंत जातो? 1 पर्यंत। सो दैट्स व्हाट फैक्टोरियल नोटेशंस आर। NPR इज 9 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इट्स अ मीनिंग का है। ये जो लिखा है ना मैंने ब्लू में, दैट इज द मीनिंग। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम, म्हणजे तुम्हाला जर 10 गोष्टींना अरेंज करायचं आहे अँड अरेंज करताना तुम्हाला फक्त 7 गोष्टी पाहिजे, सो यू टेक 10 P7। ओके, ये हुआ NPR। सेकंड पॉइंट, ऐसे ये जो मैं ब्लू में लिखने वाला हूँ ते स्टेटमेंट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं ब्लू में लिख रहा हूं, दिस द स्टेटमेंट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स taken all at a time. Taken all at a time मतलब अगर मेरे को 10 चीजों को arrange करना है तो मैं 10 और मुझे 10 के 10 चीजों को arrange करना है 10 में से, so I will take 10 P10. so logically कैसा है? It is NPN. ऊपर वाले इसमें, first वाले इसमें I took N में से R, ठीक है, एन चीजों में से मैंने आर चीजें उठाए अरेंज करने के लिए। तो एग्जांपल कैसा है, 10 अगर चीजें है टोटल, उसमें से मुझे 7 को ही अरेंज करना है या 6 को या 5 को, जो से भी रहेगा, इट विल बी 10 P7 इफ आई हैव टू अरेंज 7 out of 10। बट अगर मेरे को 10 में से 10 को अरेंज करना है तो 10 P10 हो जाएगा वो। तो 10 P10 से लॉजिक कसस्त एन फैक्टोरियल क्या, NPN से लॉजिक एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन होल फैक्टोरियल, ऊपर के फॉर्मूले के हिसाब से। नीचे n माइनस एन इज 0 एंड 0 फैक्टोरियल इज 1, सो NPN इज n फैक्टोरियल। ठीक है, कीप दिस इन माइंड, NPN इज n फैक्टोरियल। थर्ड,
ऐसे बहुत है, सिर्फ तीन ही नहीं है, आज अपन तीन पे फोकस करने वाले हैं। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। पहले वाले समान ही है, पॉइंट एक है। व्हेन कंडीशन आ जाता है, व्हेन ईच थिंग कैन बी रिपीटेड आर टाइम्स, ईच थिंग कैन बी रिपीटेड आर टाइम्स। ओके, सो थोड़ा डोकल हुआ पड़ा था इधर। फर्स्ट इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जो मैंने कल बताया था। फर्स्ट एचत यू डोंट विद इट डज नॉट अलाउ रिपीटेशन, बट हियर इट हैज स्पेसिफाइड कि रिपीटेशन अलाउड आहे। सो तला कसा लिहायचं, उसका आंसर रहता एन टू द पावर आर। बेसिकली उसको लिखते ऐसे एन इंटू एन इंटू एन इंटू 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 करत आर टाइम्स, which is equals to n to the power r, which is equals to n to the power r. Okay, yatcha use me apan ekach problem kela hota, usme kiya tha jo four rings and three fingers wala, to tum ungliya kat ke rings ko dete ho ya rings ungliyon ko dete ho, waisa wala question aate hai isme, n to the power r where repetition is allowed. To wo questions lunga main, tab aur clear ho jayega. Okay, so first question is quite easy, we will keep it very easy. हाँ, question मध्ये मी तुम्हाला कालचा basic logic plus आज का permutation का logic दोनों इससे समझाऊंगा। How many three digit numbers, how many three digit numbers can be formed using the digits 1 to 9, मतलब 9 digits हो गए। 0 to 9 मतलब तो 10 होता है, 1 to 9 मतलब तो 9 नच होता है बरोबर। If no digit is repeated, ठीक है, if no digit is repeated, let's go with the logic। कितने है 3 digit, 1 2 3, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो पहले जगह पे आई कैन यूज ऑल 9, 9 में से कोई भी एक उठाना है मुझको, बराबर है, 9 मधून कोणता ही एक नंबर तिथे ठेवायचा है। बट सेकंड प्लेस पे आई कैन नॉट यूज 9 बिकॉज मैं एक यूज कर चुका हूँ, सो आई हैव टू यूज बचे हुए 8 में से कोई तो भी एक। थर्ड प्लेस पे बचे हुए 7 में से कोई तो भी एक, एंड सो ऑन। करेक्ट लॉजिक कर लो तुम्हारा, 9 8 7। अब विथ परम्यूटेशन, ठीक है, क्या म्हटला है, 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, और तुमको 3 डिजिट नंबर बिठाना है। सो दिस इज 9 into 8 into 7, विच इज 56 into 9, 9 into 8 into 7 इज 504। याचा आंसर काय है, 504। अब यूजिंग परमिटेड, दिस वॉज यूजिंग बेसिक नॉलेज ऑफ permutations and combinations. Now actual permutation use karun, 9 mein se kitne use karna hai mujhe, 3. So out of 9 mujhe 3 digits koi to bhi use karna hai. That's a formula pramane, 9 factorial upon 9 minus 3 whole factorial, which is 9 factorial upon 6 factorial. 9 factorial ko todenge, 9 into 8 into 7 into 6 factorial upon 6 factorial. What is 9 into 8 into 7 is 504. So when repetition nasta, kya repetition allowed nahi hai, we can use directly use 9P3. Point. Jar repetition allow kela, to mujhe third is pe jana padta hai. To wo ek do cheeze apne ko sambhal ke chhudani padti hai. Okay, next question. Find the number of words
विच कैन बी मेड, विच कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल. ओके, यूजुअली है कैपिटल मध्ये लिहिता तसं मोबाइल. वेन कॉन्सोनंट्स ऑलवेज ऑक्युपाय ऑड प्लेसेस. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव ऑन विद द बेसिक थिंग. खूब बेसिक थिंग, बहुत बेसिक रखेंगे अपन. कितने मोबाइल में कितने है, अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर मैंने ये आखिरी कंडीशन नहीं दी रहती, when consonants always occupy the odd places, so how many numbers of the words word can be formed or made out of the letters of the word mobile. So total 6 tha, mobile mein kitne hai total 6, that's why 6 factorial direct answer hota. Par since ye aakhri wali line di hai, ab thoda sa jhagda karna padega apne ko. To mobile mein kitne hai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ye first place, ये थर्ड प्लेस, ये फिफ्थ प्लेस. तो यहाँ पे हमेशा मुझे कॉन्सोनेंट्स चाहिए और बाकी जगह फिर वॉवेल्स आए तो भी चलता, पर ऑड प्लेसेस पे मुझे कंपल्सरीली कॉन्सोनेंट्स चाहिए. कितने इसमें कितने कॉन्सोनेंट्स और कितने वॉवेल्स है वो भी देख लेते हैं. सो मोबाइल मधे एम कॉमा बी कॉमा एल, ये हो गए कॉन्सोनेंट्स. ओके, एंड O, I, E, ये हो गए वॉवेल्स. ठीक है, अब कॉन्सोनेंट्स तीन है और उसको भरने के लिए जगह कितने है, तीन. तो रिक्वायर्ड वेज इज, मतलब रिक्वायर्ड वेज का कैसा आंसर रहना रहा. कॉन्सोनेंट्स को भरने के लिए तीन जगह है और कॉन्सोनेंट्स कितने है, तीन. तो 3P3. अब बचे तीन जगह पे वॉवेल्स चाहिए, कितने वॉवेल्स है, तीन. जगह कितनी है, बची हुई जगह कितनी है, तीन. सो इनटू 3P3, सो आंसर 3P3 म्हणजे 3 फॅक्टोरियल. 3P3 मतलब 3 फॅक्टोरियल. 3 फॅक्टोरियल इज 6, 6 इनटू 6 इज 36. दैट्स योर आंसर. कसा भी मुझे तुमको हर एक प्रॉब्लम छुड़ा के तो अपन दे नहीं सकते. व्हाट आई वांट इज यू टू स्टार्ट थिंकिंग like how I am thinking of each problem. अब यहाँ पे मुझे बताया गया था कि consonants occupy करेंगे odd places. तो कितने odd places थे, तीन. कितने consonants मिल गए मुझे, luckily तीन. तो 3P3. बच्चे हुए को भी सबको arrange करना पड़ेगा, vowels को छोड़ नहीं सकते. तो vowels के लिए कितनी जगह बची थी मेरे पास, तीन जगह. और vowels कितने थे, तीन. तो इसलिए 3P3. तो इसका आंसर 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 36. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड और कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड Monday, M-O-N-D-A-Y, from the word Monday, assuming no letter is repeated if फर्स्ट आहे याच्यात, फोर लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम. मतलब एक टाइम पे सिर्फ चार ही लेटर यूज कर सकते हैं. सेकेंड, ऑलवेज कन्वर्ट द क्वेश्चन इन आवर लैंग्वेज. सेकेंड, ऑल लेटर्स
आर यूज्ड एट अ टाइम एंड थर्ड ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल ओके आंसर सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी क्वेश्चन नहीं दिया रहता सिर्फ इधर तक क्वेश्चन रहता है जहां पे मेरी रेड ब्रैकेट जाएगी सिर्फ इतना क्वेश्चन रहता हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड मंडे तो मंडे में टोटल लेटर्स ढूंढना 1 2 3 4 5 6 6 है तो टोटल कितना हो गया 6 फैक्टोरियल दैट्स इट उसके ऊपर आंसर नहीं है पॉइंट उसने आगे का क्वेश्चन दिया है तो अपने को आगे का क्वेश्चन छुड़ाना पड़ेगा अब फर्स्ट एक साथ मतलब टोटल मेरे पास कितने हैं मंडे में है टोटल 6 letters अब पहला क्वेश्चन क्या बोलता है आई डोंट वांट 6 लेटर्स मुझे सिर्फ 4 ही चाहिए और मुझे 4 ही से ये काम करना है सो फर्स्ट आंसर इज क्वाइट क्लियर 6P4 मतलब 6 में से मैं कोई भी 4 ही अरेंज करूंगा उसमें सब आ जाता है ठीक है और इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं रहता सो व्हाट वी गेट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा 6 - 4 होल फैक्टोरियल विच इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तो 6 × 5 × 4 × 3 इतना बड़ा आंसर आएगा उसका विच इज इक्वल्स टू 30 120 360 12 3 360 ओके सो ये तो फर्स्ट आंसर हो गया सेकंड क्या बोलना है उसका कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम मतलब 6 में से मेरे को पूरे 6 यूज करने हैं विच इज 6 फैक्टोरियल जो तुम्हारा ओरिजिनल आंसर था 6P6 विच इज 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तो क्या ध्यान में रखना हमेशा 5 फैक्टोरियल विच इज 120 120 × 6 = 720 ओके अब आखिरी का बोलना है कि सभी यूज करने बट पहला जो है वो हमेशा वॉवेल रहेगा सो 1 2 3 4 5 6 सिंस सभी यूज करने हैं यहाँ पे हमेशा वॉवेल चाहिए तो मंडे में वॉवेल्स कितने वो देखते ओ ए दो ही वॉवेल्स दिख रहे मेरे को तो राइट सो ओ एंड ए आर वॉवेल्स अब पहले जगह पे जहां पे मैं रेड से मार्क करूंगा ये जगह पे हमेशा वॉवेल ही चाहिए कितने वॉवेल्स है 2 इसलिए उसके कितने फैक्टर मुझे कसा आंसर तला अरेंज कितनी वेज मध्ये करू शकतो दोनच वे मध्ये एक जो वर्ड्स रहेंगे वो शुरू होंगे ओ से और एक एक टाइप रहेगा जो ए से शुरू होगा क्योंकि उसने बोला ही वैसे है कि मुझे सिर्फ वॉवेल से शुरू होने वाले ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए ओके तो देर आर ओनली 2 वेज तो है स्टेटमेंट लिमिटेबल सिंस मतलब बाद में ध्यान आएगा सिंस देर आर 2 वॉवेल्स हेंस फर्स्ट लेटर कैन बी अरेंज्ड इन 2 वेज ओनली मतलब एक तो ओ आएगा नहीं तो ए आएगा तो वर्ड्स ही ऐसे आएंगे जो एक तो ओ से शुरू होंगे या तो ए से शुरू होंगे क्योंकि उसने बोला है भाई कि फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल तो वो जो वर्ड रहेगा पूरा वो वर्ड का स्टार्टिंग विल बी आइदर ओ और ए और एक लेटर रहता और एक वॉवेल रहता तो और एक आ गया रहता अब बाकी के बच्चे कितने देखेंगे 1 अगर पहला कंसिडर कर लिया 1 2 3 4 5 ठीक है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है पर बच्चे कितने 5 अब लेटर्स कितने टोटल 6 है उसमें से मैंने एक और एक तो यहाँ पे यूज कर लिया ओ एक तो मैं ओ यूज करूंगा वरना मैं ए यूज करूंगा अगर ओ यूज किया तो मेरे पास बच्चे 5 अगर ए यूज किया तो मेरे पास बच्चे 5 सो बेसिकली रिमेनिंग 5 remaining
फाइव लेटर्स और प्लेसेस कैन बी अरेंज्ड इन 5P5 दैट इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल वेज, क्योंकि पांच लेटर्स बचे और पांच जगह है अपने पास. देयरफॉर रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल्स टू 2 × 5 factorial. Required way क्या है तुमसा? 2 × 5 factorial, which is equals to 120 × 2 = 240. 5 factorial ध्यान में रखना, 120. Okay. Next, very important. ये मैं बाद में भी बताऊंगा, but अभी के लिए सुन लो. Please his method follow करा. Do not follow any other method. जो next problem है. The letters of the word, ठीक है, क्वेश्चन खूब इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखो ये वाले क्वेश्चन को. द लेटर्स ऑफ द वर्ड जेनिथ, जेड ई एन आई टी एच, जेनिथ, आर रिटन इन ऑल पॉसिबल वेज. If all these words are arranged as per dictionary, then find the rank of the word zenith. इसका मीनिंग सुन लो, ठीक है. जेनिथ में टोटल वर्ड्स कितने हैं? जेड ई एन आई टी एच, टोटल लेटर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो इसका आंसर आएगा 6 factorial. ठीक है, मतलब जेनिथ से मैं टोटल 720 वर्ड्स बना सकता हूँ, विथ और विदाउट मीनिंग. अपने को विदाउट मीनिंग वाले भी चलते हैं, बट ऐसे 720 वर्ड्स है जो मैं ये जेनिथ के लेटर्स को लेके बना सकता हूँ. अब वो 720 लेटर्स को मैंने अगर डिक्शनरी में अरेंज किया, डिक्शनरी के हिसाब से, डिक्शनरी मध्य कशा था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ए वाले पहले, ये सब मिला के अगर वैसे अरेंज किया, तो ये जो जेनिथ वर्ड है वो 720 में से उसका रैंक कौन सा रहेगा, ये ढूंढना है अपने को. ठीक है, वो 720 में से वो जेनिथ वर्ड का रैंक कौन सा रहेगा, वो अपने को ढूंढना है. सो प्लीज डू नॉट सी एनी अदर मेथड, चाहे तुम्हारा पुष्कर्ष मेथड दिसतील, दो दो लेटर्स कंसिडर करके. वी विल कीप इट सिंपल. पहले जेनिथ को अपने को लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, ई H I N Z, उनको रैंक्स देना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिले रैंक्स. मग जेनिथ पुन्हा लिहायचं, Z E N I T H, रैंक्स देते जाना जैसे इधर है Z, फिर E का रैंक है 1, N का है 4, I का है 5, T का है I का है 3, T का है 5, H का है 2. Okay, clear? अब let's work on it कि कैसे हिल. Z मतलब 6 के right hand side पे, ये जो जेनिथ वर्ड है उसके राइट हैंड साइड पे, 6 के राइट हैंड साइड पे 6 से छोटे कितने नंबर्स है? 1, 2, 3, 4, 5. 6 से छोटे सभी के सभी है ना, तो मानूं थे 5 व्हील. अब 1 ई से कंसीडर करना, 1 के राइट हैंड साइड पे कितने छोटे है? कोई भी नहीं है, 1 से छोटा कोई नहीं है अपने पास, तो यहाँ पे आएगा 0. फिर 4 के राइट हैंड साइड पे कितने है छोटे? तो आई और एच दो छोटे है, 3 और 2 वाले, सो यहाँ पे 2 लिखना. आई के राइट हैंड साइड पे कितने छोटे है? 3 से कितने छोटे है?
सो वी गॉट ओनली वन जो एच है एंड फाइव के राइट हैंड साइड पे भी एक ही छोटा है एंड टू के राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं इसलिए जीरो. देन नीचे से शुरू करना, जीरो फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई एंड एड, मल्टीप्लाई एंड एड. तो जीरो इंटू जीरो फैक्टोरियल तो जीरो हो गया, वन इंटू वन फैक्टोरियल वन, वन इंटू टू फैक्टोरियल इज टू, टू इंटू थ्री फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल इज सिक्स, टू इंटू थ्री फैक्टोरियल इज बेसिकली ट्वेल्व, जीरो इंटू तो प्लस जीरो, फाइव इंटू फाइव फैक्टोरियल मतलब फाइव इंटू वन ट्वेंटी, ट्वेल्व सिक्स आर सिक्सटी, 615 वर्ड्स ऐसे है जो जेनित के पहले है. ठीक है, मतलब किसमें से, ये 720 में से 720 वर्ड्स ऐसे है जो सिक्स मुझे जेनिथ 720 वर्ड्स में से 615 वर्ड्स ऐसे है जो जेनिथ के पहले. तो देयरफॉर रैंक ऑफ जेनिथ, जेड ई एन आई टी एच, ये किसमें से रैंक है उसका, 720 में से. सो टोटल कितने बने, फिर से देख लो आप, टोटल कितने बने 720 में से 600 है. ये मेथड से मैंने ऐसे वर्ड्स निकाले जो जेनिथ के पहले है. ठीक है, जो जेनिथ से पहले आए, तो 615 वर्ड्स ऐसे है जो जेनिथ के पहले आउट ऑफ 720. तो रैंक ऑफ जेनिथ विल बी 615 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 616, एंड दैट इज हाउ यू कैलकुलेट रैंक ऑफ अ वर्ड. याचा हेच असा रैंक ऑफ अ वर्ड, म्हणून इसका लॉजिक ही ऐसा है, म्हणजे त्याचं नावच आहे रैंक ऑफ अ वर्ड. ठीक है, परम्यूटेशन मध्ये येते. ओके, आई होप इधर तक क्लियर है तुमको. वी विल कंटिन्यू टुमारो.